और इसी बीच भोपाल से खबर आपको बता दें, जहां गर्मी से राहत के लिए भोपाल में पहल शुरू हो गई है। अलग अलग चौराहों पर टेंट लगाए गए हैं, नगर निगम पानी का छिड़काव कर रहा है, ट्रैफिक सिग्नल पर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है, अलग अलग एंटी फॉगिंग मशीनों से छिड़काव हो रहा है, अलग अलग गाड़ियों को अलग अलग इलाकों में लगाया गया है। तो देखिए, कई सारे ऐसे वीडियोज अलग अलग शहरों से सामने आ रहे थे, जिसमें कोशिशें हो रही थी कि गर्मी से राहत या निजात दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं। तो भोपाल में भी नगर निगम अब प्रयास कर रहा है, गाड़ियां लगाई गई हैं, उनसे ट्रैफिक सिग्नल्स पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और ये अच्छी कोशिश है। देखिए, गर्मी इतनी है और सिग्नल भी देखिए 100 सेकेंड के, 90 सेकेंड के हैं, और ऐसे में इस चिलचिलाती गर्मी में पूरा एक मिनट खड़े होना किसी भी जगह पर वाकई बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए देखिए नगर निगम के प्रयास, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल्स पर गाड़ियों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और ये अच्छी कोशिश है। आप रिजवान हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, अच्छी पहल, लेकिन ये कितने दिनों तक चलने वाला है? क्योंकि अलग अलग वीडियोस जब आए सामने, उसमें हमने देखा कि भोपाल की आवाम ने वो वीडियो शेयर किए और बोला कि ये इस तरह के प्रयास भोपाल में भी होने चाहिए, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन ये कितने समय तक चलने वाली हैं? क्योंकि नौ तपों की शुरुआत हो गई, और दूसरा, अगर इसमें कोई भीग जाता और भीगते हुए ऐसी धूप में चलता है तो उसके लिए तो और मुसीबत, क्योंकि उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है भीग कर धूप में जाना। देखिए, काफी एहतियात रखते हुए ये छिड़काव किया जा रहा है। भीषण गर्मी जो है पूरे प्रदेश में हो रही है, इसी के चलते राजधानी भोपाल में भी जो टेम्परेचर है वो लगातार जो है 42 से 45 डिग्री जो है चल रहा है। हालांकि भीषण गर्मी से राहत के लिए राजधानी वासियों के लिए नगर निगम ने कच्ची पहल की है। शहर के अलग अलग चौराहों पर पहले तो टेंट लगाने की व्यवस्था की है, अगर कोई धूप में खड़ा ना हो उसके लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ पानी का छिड़काव जो है किया जा रहा है शहर के अलग अलग चौराहों पर और अलग अलग इलाकों में जो है इस तरह का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले। और मौसम विभाग ने नौ तपों को लेकर जो है अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल, तो एहतियातन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ये कोशिश हो रही है। रिजवान, लौटूंगी आपके पास, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो गर्मी से राहत के लिए भोपाल में पहल हो रही है, अलग अलग चौराहों पर बहुत एहतियात बरतते हुए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ट्रैफिक सिग्नल पर भी पानी का छिड़काव हो रहा है। भीषण गर्मी इस वक्त है और ये प्रयास तारीफ़े काबिल।